दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको HDFC बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। बेसिकली दोस्तों, आपका अकाउंट इस बैंक में है या फिर नहीं है, दोनों ही कंडीशन में दोस्तों इस बैंक से आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये लोन दोस्तों आप बेसिकली दो प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों HDFC बैंक की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और HDFC बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू भी आप लोन के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लगातार बने रहे, इस बैंक से आप कितने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको क्या देना होगा, और साथ ही साथ इस लोन का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहेगा, और दोस्तों आपकी क्या एलिजिबिलिटी एंड आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, सारी चीजें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके कवर करने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है, और प्ले स्टोर में जो HDFC की नेट बैंकिंग की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद में आपको ओपन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ओपन के बटन पर क्लिक करते हैं तो इस एप्लीकेशन का जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में नीचे आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद में आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाती है, तो चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको एक्सेप्टेड पर क्लिक करना है एंड आपको एक बार फिर से अलाउ के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे नीचे आपको वेलकम एंड कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है एंड आपको 4 डिजिट के MPIN इस एप्लीकेशन में सेट कर लेना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन में सेट कर लेते हैं तो इस एप्लीकेशन का पहला इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो नीचे अब आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर लोन की कैटेगरीज देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोन की कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे गोल्ड लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बहुत सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ऊपर में आपको पर्सनल लोन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे पर्सनल लोन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर दो ऑप्शन खुलकर आ जाता है, एक तो पर्सनल लोन इन 10 सेकंड अप्लाई ऑनलाइन एंड आप यहाँ पर एक नीचे देखेंगे पर्सनल लोन। तो दोस्तों ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल लोन इन 10 सेकंड कुछ सेलेक्टेड कस्टमर्स को ही दिया जाता है, जिसके अंदर दोस्तों अगर ये आप सेलेक्टेड कस्टमर होते हैं तो मात्र आपको 10 सेकंड के अंदर आपका जो लोन है वो अप्रूवल हो जाता है, और 10 सेकंड के अंदर ही आपका जो लोन का अमाउंट है आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप HDFC बैंक के सिलेक्टेड कस्टमर नहीं है तो आपको यहाँ पर सेकंड नंबर वाला ऑप्शन चुन लेना है, जिसके अंदर आप यहाँ पर नीचे जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन देख रहे होंगे पर्सनल लोन इन प्री अप्रूवल इन 10 मिनट्स, यानी कि आपको 10 मिनट्स के अंदर ही यहाँ पर लोन दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पर सेकंड नंबर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, या फिर आप सिलेक्टेड कस्टमर है तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं। फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन अगर आपको शो हो रहा है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर जो कस्टमर है वो यहाँ पर सेकंड नंबर वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है उस पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करना होगा, जिसके अंदर अब आप यहाँ पर चुनाव करेंगे आप सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर सैलरीड एम्प्लॉय है, तो आपके हिसाब से आप यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं डू यू वांट अकाउंट हैज यूज, तो दोस्तों अगर HDFC बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में HDFC बैंक का कोई प्रोडक्ट है, तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों HDFC बैंक से आप यहाँ पर 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी वो यहाँ पर 10.50% से यहाँ पर चालू हो जाती है, और जो लोन है दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट के अंदर यहाँ पर अप्रूवल हो जाता है, और जो लोन का पैसा है 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर पेज के अंदर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके मोबाइल जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाती है। OTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों अब आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी यहाँ पर KYC कंप्लीट करनी होती है, तो
चूज एंड कंटिन्यू के बटन पर आप यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे। चूज एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन दिखाई जाएगी, तो इन टर्म एंड कंडीशन को आपको एग्री कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके आधार नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, तो आपके आधार नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड के थ्रू एक ओटीपी आ जाती है, ओटीपी को आप वेरीफाई कर लेंगे एंड आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है उन पैन कार्ड नंबर को आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज आपकी पर्सनल डिटेल का यहाँ पर आ जाता है, जिससे कि दोस्तों आपके आधार कार्ड के थ्रू बहुत सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाती है और जो डिटेल यहाँ पर रह गई है उस डिटेल को आपको मैनुअल ही फिल करना है। तो आपकी पर्सनल डिटेल में आपका जो भी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिडेंट टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ओनर है या फिर आप किराए पर रहते हैं। इसके बाद में आप एम्प्लॉय टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये लोन लेने के लिए अगर आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का पॉपअप शो हो जाता है और आप जितने भी लोन के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं उस लोन की राशि आपको यहाँ पर ऊपर ही शो हो जाती है। जैसे कि दोस्तों इस लोन के लिए हम 1,80,000 रुपये के लिए एलिजिबल हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये लोन दोस्तों आप 50,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक ये लोन ले सकते हैं। और इस लोन का जो दोस्तों टाइम पीरियड है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 साल के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। और इस लोन की जो मंथली ईएमआई आएगी वो 6,108 रुपये यहाँ पर ईएमआई आने वाली है। और इस लोन पर दोस्तों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 13.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और यहाँ पर जो टोटल पेमेंट हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा वो 2,19,906 रुपये का टोटल पेमेंट हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। तो दोस्तों आप भी लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और ये लोन के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो यहाँ पर सॉरी लिखकर आपको पॉपअप शो हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को आप फॉलो करके आप पहले पता लगाएंगे कि आप ये लोन लेने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का पॉपअप शो होता है और आपके लोन का अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस पेज में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी बैंक की डिटेल्स है वो आपकी बैंक की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। और दोस्तों आगे आपको ऑटो डेबिट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको अपने एटीएम के थ्रू ऑटो डेबिट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ऑटो डेबिट से दोस्तों क्या होगा, जब आप ऑटो डेबिट सेलेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों आपसे बैंक से आपकी जो मंथली ईएमआई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिडक्ट होती रहेगी। तो दोस्तों इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इससे आगे का जो प्रोसेस है सिंपल प्रोसेस है, आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। क्योंकि दोस्तों फिलहाल इस लोन की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये लोन मैं दोस्तों नहीं चाहता, तो मैं आगे अप्लाई करके आपको नहीं दिखाऊंगा। आपको यहाँ पर आगे अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है और अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी है एंड ऑटो डेबिट आपको सेलेक्ट करके ये लोन आपको यहाँ पर सक्सेसफुली कर लेना है। 24 घंटे के अंदर दोस्तों आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट पे यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अलावा आपका फिर भी कोई कंफ्यूज या सवाल जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।